असलम एवरी वन दिस इज डॉला राइट हार्ट यो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने लगे हैं बढ़ते बच्चों के जिसम में किन न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है वरना उनकी इम्यूनिटी से लेके उनके आईक्यू से लेके उनके कद से लेके हर चीज़ जो है वो मुतासर हो सकती है बच्चों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ बिकॉज़ यही बच्चे जो हैं अब यही इस मुल्क का फ्यूचर है और सबसे ज़्यादा इनकी सेहत के बारे में बात होनी चाहिए जो बड़ों ने डैमेज कर लिया हमारे बड़ों ने वो तो कर लिया अपने आप को न्यूट्रिशनी ना वेयर करके अब कम अज़ कम आने वाली जो जनरेशन है मेरा मकसद ये है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हर माँ को न्यूट्रिशनिस्ट बना दूँ और मैं हर माँ को इतना समझदार कर दूँ कि उसको ये पता लग जाए कि अपने बच्चे की डाइट का ख्याल रखें वो किस तरह से उसकी पूरी ज़िंदगी समाजी तौर पर माशी तौर पर और सेहत के तौर पर संवार सकती है और ये मुमकिन है न्यूट्रेंट्स आपके पास क्या होते हैं वो आपके पास आपकी सेहत को बच्चे को किस तरह इन्फ्लुंस करते हैं न्यूट्रेंट्स आपके पास को फैक्टर्स होते हैं को फैक्टर्स क्या चीज़ हैं को फैक्टर्स जिसमें मौजूद वो मोलिक्यूल्स हैं जो जिसमें प्रोटीस बनाने के काम आते हैं अगर ये मैं आम बंदे को बात कहूँगी मैं नहीं चाहती मेरे पाकिस्तान में कोई भी इंसान आम बंदा रहे मैं चाहती हूँ मेरे पाकिस्तान में हर इंसान खास बंदा समझ हो जाए हर इंसान को साइंस की बात समझ आए तो इसलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ को फैक्टर्स आपके पास वो चीजें जो प्रोटीन अब एक आम बंदे को आप कहेंगे प्रोटीन ना तो क्या है आप सब खास हैं आप सब खास बने वो कहेगा जी नाखून है प्रोटीन बाल है प्रोटीन मसल है प्रोटीन आपको पता है प्रोटीन क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास जिसम के जितने इंजाइम्स हैं बॉडी का हर रिएक्शन जो हो रहा है जो इवन के जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ उस रिएक्शन को आपके पास प्रोटीन इस काबिल इसकाबिल करें कि वो रिएक्शन हो सके आपके पास जितने हारमोनस हैं आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स आपकी बॉडी के वो आपके पास प्रोटीन है आपके पास इवन के आपकी बॉडी में फैट और कोलेस्ट्रॉल को जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती हैं डिफरेंट पैगामों को एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती हैं वो प्रोटीन है पैगामों को रिसीव करने वाले एंटीन रिसीव करने वाले, करने वाले रिसेप्टर आपके पास प्रोटीन है आपके पास में जो प्रूफ रीडर्स होते हैं यानी आपके पास में वो मॉलिक्यूल्स जो अगर बॉडी से कोई गलती हो जाए डी से कोई गलती हो जाए रेप्लीकेट करते हैं तो फ़ौरन जाके आपके जेनेटिक मटेरियल को जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होना होता है जाके उसको प्रूफ रीड करे उस गलती को सवारे उस डैमेज को रिपेयर करें ताकि कहीं आपको कैंसर ना हो जाए कहीं आपको अल्जाइमर्स ना हो जाए कहीं आपको कोई बहुत खतरनाक बीमारी ना हो जाए इसको रोक सके वो प्रूफ रीडर कौन है वो प्रूफ रीडर प्रोटीन है आपके जिसम से जहरीले मादे निकालने वाले डिटॉक्स मॉलिक्यूल्स कौन है वो प्रोटीन है आपके जिसम के फ्लूड पम्प कौन है वो प्रोटीन है ये फ्लूड पम्प्स ही हैं आपके पास हर सेल में लोकेटेड जिसकी वजह से डिफरेंट गजा के मादे सेल के अंदर जाते हैं जिसकी वजह से माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट कर पाता है एक्शंस परफॉर्म कर पाता है के डिसाइड कर पाते हैं कि उन्होंने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह तब्दील होना है ये सारी चीज़ें आपके पास प्रोटीन है आपके पास जिसम के ब्लू का तयन करने वाले मॉलिक्यूल्स प्रोटीन है यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में फीचर्स ट्रांसफर करने वाले डीएनए ट्रांसफ़र करने वाले ये सब चीज़ें प्रोटीन है अब अगर ये न्यूट्रेंट्स नहीं होंगे ये को फैक्टर्स नहीं होंगे ये प्रोटीन्स नहीं होंगे तो क्या होगा बहुत कुछ होगा आपके बच्चे का कद ठीक तरह नहीं बनेगा ग्रोइंग एज में आपके बच्चे का जबड़ा ठीक तरह नहीं बनेगा क्या पता उसके दांत ठीक ना हो आपके बच्चे का आई ठीक ना हो ऐसे बच्चे जो हैं उनको आगे जाके कैंसर का अल्ज़मर्स का अस्थमा का डायबिटीज़ का इन सब का ज़्यादा खतरा होगा तो इस केस में अब आपको किन किन न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने बच्चे की डाइट में सिलनीियम का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है मैं उन सारे ट्रेस मिनरल्स की बात कर रही हूँ जो जिसमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं लेकिन फंक्शन वो बहुत बड़े बड़े परफॉर्म करते हैं सिलीनियम आपकी बॉडी में एक तो चाहिए होता है मेटल टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी है हम जाहिर है जब इन्वायरमेंट को एक्सपोज होते हैं हमारे जिसम में डिफरेंट जहरीले मादे जो हैं वो एंटर होते हैं जिसको डिटॉक्स करने के लिए भी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सिलीनियम उनमें से वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट एंटी है आफ्टर डूटा थायर सिलीनियम चाहिए होता है आपकी बॉडी में थायरयड हार्मोन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टी से टी अभी टी से टी कन्वर्जन नहीं होगी अगर सिलीनीय नहीं होगा और अगर थायरॉड हार्मोन आपकी बॉडी में ठीक नहीं बनेगा ना आपकी डाइजेशन ठीक होगी बच्चे की ना आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक होगी ना आपके बच्चे का मेटाबलिजम ठीक होगा ना उसको खाना ठीक हाजम होगा ना उसके बाल मूवमेंट्स ठीक होंगे नेक्स्ट जिस मिनट की मैं बात कर रही हूँ इसके बाद में मैं ये भी बताती हूँ किस किस में मौजूद है दैट इज़ आयोडीन आयोडीन जो है आपके पास जिस बच्चे में आयोडीन की कमी होगी ना उसका आइक्यू अच्छा होगा ना उसका कद अच्छा होगा ये जो आप देखते हैं ना कुछ बच्चे ज़्यादा शार्प हैं कुछ बच्चे कम शार्प हैं ये कोई हादसा नहीं है ये या ये कोई हसीन इतफाक़ नहीं होता या कोई बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा ये नस्लों की लापरवाही होती है या नस्लों की जिम्मेदारी होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती है या तो बड़ों की मेहनत का फल जो है वो बच्चे उसका समर खा रहे होते हैं या बच्चों की बड़ों की जो गलतियाँ हैं उसकी सजा बच्चे भुगत रहे होते हैं न्यूट्रिशनल गलतियाँ है, लैक ऑफ अवेयरनेस नेक्स्ट चीज जी जो आपके पास आ जाती है वो आपके पास आ जाता है फोलेट फोलेट आपके पास लफ्स फोलेट से निकला है जिसका मतलब है पौधे अपने बच्चों की डाइट में हरी सब्जियाँ इंक्लूड रखें फोलेट की कमी तो इवन के प्रेगनेंसी में भी बड़ी खतरनाक है अगर प्रेगनेंसी में फोलेट की कमी हो जाए तो बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा है वो आपके पास एक्सपोज रहता है जिन बच्चों में फोलेट की कमी होगी वो एनीमिक भी होंगे उनके ब्लड में आयरन भी ठीक तरह नहीं बनेगा उनकी ग्रोथ भी ठीक तरह नहीं होगी उनका आई भी आपके पास कम होगा और इम्यूनिटी भी लो होगी नेक्स्ट आपके पास ये चीज आ जाती है और ऐसे बच्चों में आपके पास फ्यूचर में जाकर दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर का खतरा भी रहता है क्योंकि आपके पास जो फोलेट है इसको वाइटामिन बी नाइन कहा जाता है ये जिसम में एक टॉक्सिक मादा होमोसिस्टीन के लेवल्स कम करने में काम आता है होमोसिस्टीन का जिसम में बढ़ना दिल के स्ट्रोक के साथ एथरोस्किलोसिस के साथ रिसर्च में डायरेक्टली कोरिलेट किया गया है नेक्स्ट चीज़ ख़ुद आपके पास आयरन आ जाती है आयरन की कमी से सिर्फ एनीमिया नहीं होता आयरन की कमी से आपके पास बच्चे की ग्रोथ भी ठीक तरह नहीं होती है आयरन की कमी से आपके पास बच्चे की इम्यूनिटी भी कम होती है और आयरन की कमी से आपके पास बच्चे के सोशल स्किल्स भी कम होते हैं वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा मिट्टी खाने की क्रेविंग होती है आपको पता है उनको ये मिट्टी खाने की क्रेविंग क्यों होती है क्योंकि उनके में आपके पास आयरन की कमी होती है यहाँ पर मैं आपको एक और कॉम्प्लीमेंट्री बात ये भी बताती चलूँ मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आती हैं वो कहती हैं हमारा बच्चा नमकीन चीज़ और स्पाइसी चीज़ बहुत मांगते है बस वो खाता ही वही है आपको पता है आपके बच्चे को किस चीज़ की कमी है वो नमकीन और स्पाइसी चीज़ मांग रहा है आपके बच्चे को पोटेशियम की कमी है और इसको मैं आपको एक और बड़े मज़े के सिम्टम्स से को रिलेट करूँगी ये प्रेगनेंसी में औरतों को जो अचार खाने की क्रेविंग होती है ना चटपटा खाने की क्रेविंग होती है और उसको एक बड़ा वो एक लेमन वाला साइन समझा जाता है आपको पता है क्यों हो रही होती है ये उन औरतों को क्रेविंग होती है जिनके जिसमें पोटेशियम की कमी होती है तो ये इस वजह से हो रही होती है इसका मतलब है कि उन औरतों को फल और सब्जी वो ठीक तरह नहीं खा रही होती हैं तो अब उनका जिसम पोटेशियम किसी तरह से पूरा करना चाह रहा है और उनको इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है नेक्स्ट की मैं बात करने लगी हूं आपके पास आ जाता है विटामिन ए अगर आपके बच्चे के में विटामिन ए अच्छा नहीं होगा तो आपका जो बच्चा है उसके सेल्स डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने किस टिश्यू में कितना अच्छा कन्वर्ट होना है वाइटमिन ए की वजह से आपके सेल्स जो हैं वो ब्रेन टिशू में अच्छी तरह कन्वर्ट हो पाते हैं बॉडी के मसल टिशू में अच्छी तरह कन्वर्ट हो पाते हैं और हर सिग्नलिंग अच्छी हो पाती है वाइटामिन ए जो है आपके बच्चे के फ्यूचर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस तरह के बनेंगे कितने हेल्दी होंगे इसका भी तयन करता है आपकी स्किन हेल्थ बच्चे की कैसी होगी इसका भी तयन करता है बच्चे की विजन और आईसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा स्ट्रॉग एंटी भी है आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम का भी ये करता है नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ जाती है जिंक जिंक खास करके मेल बच्चों के लिए जिसकी बॉडी में अच्छा नहीं होगा उस मेल बच्चे के टेस्टोस्ट्रॉन लेवल्स मेल सेक्स हार्मोन लेवल्स अच्छे नहीं होंगे स्किन अच्छी नहीं होगी और जिंक आपके पास वो ट्रेस मिनरल है जो जिसमें दो 2000 रिएक्शंस में इन्वॉल्व है और विटामिन डी के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इम्यूनिटी में कोई प्ले करता है आपके पास तो वो जिंक प्ले करता है और नेक्स्ट चीज खुद वाइटामिन है जिसके में वाइटामिन डी कम होगा उसकी हड्डियाँ भी ठीक नहीं होगी इम्यूनिटी भी ठीक नहीं होगी उसका मूड भी ठीक नहीं होगा उस बच्चे को ADHD भी हो सकता है एस्थमा भी हो सकता है डायबिटीज भी हो सकता है ऑटोमिन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं तो विटामिन डी की कमी तो बच्चे क्या बड़े भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट चीज़ जी आपके पास आ जाती है कॉपर कॉपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड शुगर रेगुलेशन में और साथ ही आ जाते हैं आपके पास बी वाइटामिनस बी वाइटामिन और कॉपर अगर डाइट में ठीक तरह नहीं होंगे तो आपके पास ब्लड शुगर रेगुलेशन ठीक तरह नहीं होगी शुगर स्पाइक ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो यहाँ से बच्चों के बिहेवियल डिसऑर्डर्स जो हैं वो जन्म लेते हैं अब ये सारी की सारी चीज़ें लेने के लिए बच्चों की डाइट में अंडे की जर्दी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की डाइट में रेड मीट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों की डाइट में ऑर्गन मीट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों की डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना का बहुत ज़्यादा जरूरी है अब ये सारी चीज़ें तो आप बच्चों को तब देंगे ना जब आप उनको न्यूटेला नहीं देंगे जब आप उनको चॉकलेट नहीं देंगे जब आप उनको बेकरी नहीं देंगे क्योंकि जब पूरा दिन उनकी डाइट में बिस्किट बेकरी नूडल्स और फ्रेंच फ्राइज होंगे तो वो ये सारी चीज़ें कब खाएंगे तो सोचें कि जब ये न्यूट्रल्स बच्चे को मिलेंगे ही नहीं तो जितने सारे फंक्शंस की फहरिस्त मैंने बता दी है क्या वो पूरी कर सकेंगे यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने बी वाइटामिन से कॉपर से जिंक से और आयरन से एनरिच्ड हंड्रेड ऑर्गेनिक फूड बेस्ड अपना प्रोडक्ट तैयार किया है ब्रेन टाइट जो कि पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट के लिए तैयार है और पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन में जाकर मेरा लिंक डब्ल्यू पर ऑर्डर कर सकती है और जो फेसबुक वाली ऑडियंस है इस वीडियो में फोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड का लिंक दिया हुआ है मेरी प्रोडक्ट्स की शिपमेंट का लिंक वहाँ से ऑर्डर कर सकती है उसके एक से दो चम्मच आप बच्चों को दूध में दें इस्तेमाल करें इन सारे वाइटामिन और मिनरल से एंड उनको खुराक दें लेकिन उसके साथ साथ ब्रेन टाइट मेरे प्रोडक्ट का नाम है लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप उनकी डाइट से शुगर जंक रिफाइंड कब्ज और प्रोसेस फूड्स और फ्रोजन फूड्स हटा दें आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी इंफॉर्मेशन वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज